मुद मंगल में धर्म प्रेमी सज्जनों मूर्ति देवी सदुर कबीर की एक बड़ी सरल सी साखी है दुनिया सेती दोस्ती परत भजन में भंग एका राम रामसो की संतन की संग सदुर कबीर अपने श्रोताओं को संबोधित करते हुए उन्हें राय देते हैं कि तुम दुनिया की सेवा तो करो किंतु दुनिया से दोस्ती मत करो लोगों ने पूछा क्यों साहब कहते हैं कि दुनिया से दोस्ती करोगे तो भजन में बाधा पड़ेगी भजन का काम हो नहीं सकेगा अरे मानव जीवन की मुख्य विशेषता भजन में है भोजन हमारी मजबूरी है क्योंकि बिना खाए हम जीवित रह नहीं सकते भोजन उद्देश्य नहीं है तो भोजन में केवल भोजन ही नहीं है मकान है या अन्य सारी चीजें हैं मतलब जीवन निर्वाह की जितनी भी चीजें हैं जितनी भी सामग्रियां हैं वे तो उद्देश्य नहीं है मजबूरी है साधन है और जब साधन को साध्य मान लिया जाता है रास्ते को ही मंजिल मान लिया जाता है तो भटकाव के अलावा कुछ नहीं होने वाला है तो भोजन हमारी मजबूरी है उद्देश्य साध्य क्या है भजन आप लोगों ने यह भजन अनेक बार सुना होगा रिकॉर्डिंग में प्राप्त बजता रहता है कबीर साहब तो ये। तो ये कहते ही हैं बीत गए दिन भजन बिना रे भजन के बिना तुम्हारे जीवन के दिन बीत गए या बीतते जा रहे हैं और साहब ने भी कहा है भजन बिना बावरे तूने हीरा जन्म गवाया संतों ने मानव जीवन की तुलना हीरे से की है हीरा बड़ा मूल्यवान चमकदार बड़ा ठोस हीरा सिर्फ चमकदार है इसलिए उसका महत्व नहीं है अत्यंत ठोस होता है वह टूटता नहीं है जल्दी हीरे की पहचान है कि हीरे को आप निहाई पर रख लो और घन से मारो जितने जोर से मारते पूरी ताकत लगा कर के घन से मारो या तो हीरा छटक कर दूर चला जाएगा या निहाई में या घन में धंस जाएगा टूटेगा नहीं और टूटा मतलब कच्चा हीरा है नकली हीरा असली हीरा नहीं टूटने वाला है हीरे की ये मुख्य पहचान है घनों की चोट मारते रहो हीरा टूटेगा नहीं हीरे को हीरा से ही काटा जाता है अब आजकल तो लेसर किरणों से हीरा को काट लिया जाता है लेकिन कबीर साहब के जमाने में लेसर किरणों का तो का आविष्कार हुआ नहीं था साहब इसलिए घनों की चोट का उदाहरण देते हैं ऐसे जैसे हीरा अत्यंत ठोस होता है इसीलिए अन्य सभी धातुओं में जो रत्न माने जाते हैं उनमें हीरा मूल्यवान माना जाता है ठीक इसी प्रकार दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उनमें मनुष्य सर्वोपरि प्राणी हैं अब जीवन हीरे से भी मूल्यवान जीवन है हीरे से आप जीवन प्राप्त कर सकते हो जीवन हीरे से जीवन प्राप्त नहीं कर सकते जीवन से हीरा प्राप्त कर सकते साफ कहते हैं भजन बिना बावरी तूने हीरा जन्म गमाया पगले बिना भजन किए तूने हीरा जैसे जीवन को कौड़ी के मोल बेच दिया साहब इतना ही कहते हैं लेकिन इससे आगे बढ़कर कहा गया है रिकॉर्डिंग सुना होगा आप लोगों ने बिन भजन के प्राणी तुम दिखाने के लायक नहीं है ऐ मनुष्य यदि तू भजन नहीं करता है तो तुम दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं है जो आदमी गलत काम कर लेता है, समाज विरोधी काम कर ले करता है अनैतिक काम करता है तो समाज में वो सिर तान करके चल नहीं सकता मुंह छिपा करके चलता सिर झुका करके चलता है साहब है तूने भजन का काम नहीं किया तो दुनिया में तू मुंह दिखाने लगा रह गए हो मतलब भजन ही जीवन का उद्देश्य है लेकिन एक बात और याद रखना होगा भजन गाना और भजन करना दोनों बिल्कुल ही अलग अलग बात है भजन गाने से कल्याण नहीं होगा भजन करने से कल्याण होगा जो लोग भजन नहीं गाते हैं उन्हें भी और जो भजन गाते हैं उन्हें भी भजन करना आवश्यक है भजन गाना एक कला है और हर किसी के पास यह कला नहीं होती भजन गाने की सुंदर भजन गाने की कला किसी किसी के पास होती है अच्छा है भी लेकिन भजन गाने की जो कला है उससे बढ़िया कला है भजन करना और भजन करने का उद्देश्य है अपने पूरे जीवन को शोधना यहां साहब कहते हैं कि दुनिया से दोस्ती करोगे तो भजन में बाधा पड़ेगी इले दुनिया से दोस्ती मत करो और भजन का काम करते रहो साहब नहीं कहते कि तुम दुनिया की सेवा मत करो दुनिया में आए हो तो कुछ काम ना करो काम तो करना पड़ेगा बिना काम किए जीवन चलेगा नहीं और सेवा भी करना होगा हमारे जीवन निर्वाह में असंख्य लोगों का सहयोग है असंख्य इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कायिक वाचिक मानसिक आर्थिक भौतिक बौद्धिक किसी भी प्रकार से हम दुनिया को कुछ दें और वह दें जो दुनिया के लोगों के लिए हितकर हो कल्याण कर हो, हो सुख कर हो क्योंकि अहितकर चीजें हमें स्वयं पसंद नहीं हैं। तो जो हम देंगे वो लौट करके आएगा प्रकृति का नियम यहां तो बहुत से किसान लोग बैठे हैं सबको ब... अच्छी तरह से मालूम है खेत में जो बीज बोया जाता है फसल उसी की काटी जाती है बीज दूसरे बोए जाएं और फसल दूसरी काटी जाए यह संभव नहीं है हमारा जीवन भी एक प्रकार का खेत है जो हम बोलते हैं सोचते हैं करते हैं सब बीज बोना है और समझना होगा आज हमारे जीवन में सुख या दुख शांति या अशांति आनंद या पीड़ा जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं उसके बीज हमने कभी न कभी बोए थे जो तो बीज हमने कभी बोए ही नहीं है वो जीवन में आएगा ही कहां से अच्छी फसल चाहते हैं तो अच्छी बीज बोने की आवश्यकता है दुनिया से दोस्ती पर भजन में भंग दुनिया से दोस्ती मत करो भजन में बाधा पड़ेगी प्रश्न हो सकता है आदमी के पास बुद्धि है तर्क है यदि दुनिया से दोस्ती करने पर भजन में बाधा पड़ती है तो क्या दुनिया से बैर करें ताकि भजन बहुत बढ़िया बने चूंकि पक्ष का प्रतिपक्ष तो होता ही है यदि दुनिया से दोस्ती करने पर भजन में बाधा पड़ती है तो इसका प्रतिपक्ष होता है दुनिया से बैर करने पर भजन बढ़िया होगा भजन में सहूलियत होगी लेकिन ऐसा है नहीं किसी से भी बैर करने वाला व्यक्ति और किसी भी बात को लेकर बैर करने वाला व्यक्ति दुनिया के बहुत सारे काम कर सकता है आप किसी से बैर करके खेती कर सकते हो नौकरी कर सकते हो व्यापार कर सकते हो मेहनत मजदूरी कर सकते हो तमाम काम कर सकते हो बैर करके लेकिन किसी से थोड़ा सा भी बैर करके आप भजन का काम नहीं कर सकते हैं। भजन का अर्थ ही, ही है मन से बैर विरोध का सर्वथा मीट जाना चाहे वो बैर किसी बात के लेकर के हो रुपये पैसे के लिए बैर हो घर द्वार के लिए बैर हो खाने पीने के लिए बैर हो गद्दी महंती के लिए बैर हो या जात पात को लेकर के भय हो मत मजहब को लेकर के भय भय हो अल्लाह और राम को ईश्वर और खुदा को लेकर के बैर हो चाहे वो साधु हो चाहे वो गृहस्थ हो चाहे अनपढ़ हो चाहे महाज्ञानी हो किसी भी बात को लेकर बैर करता है मतलब वो भजन को नहीं समझ भजन का दिखावा कर सकता है भजन नहीं कर सकता वो भजन को समझता ही नहीं है मेरे मन में किसी के लिए बैर विरोध का भाव आ गया तो मैंने भजन को छोड़ दिया मेरे जीवन में भजन नहीं रह गया दूसरा हमसे बैर करता है दूसरा आपसे बैर करता है तो वो जाने सुबह की मीटिंग में जो मैंने कहा था फिर से रिपीट कर देता हूं किसी से भी बैर करना अपने साथ बैर करना है क्योंकि जब हम किसी के प्रति राग द्वेष का भाव रखते हैं ईर्षा घृणा का भाव रखते हैं बैर विरोध का भाव रखते हैं तो सबसे पहले हमारा मन खराब होता है और मन ही मूल है जिस पेड़ की जड़ में घुन लग गया है जिस पेड़ की जड़ में दिमक लग गया है या जिस पेड़ की जड़ सड़ चुकी है उस पेड़ की हालत क्या होगी सहज उप से समझा जा सकता है जड़ बेकार मतलब पूरा पेड़ बेकार और हमारे जीवन में जड़ हमारा अपना मन है और वही चल रहा है किसी के प्रति बैर करने से तो नुकसान तो हमने अपना ही किया ना बैर करके या बैर जनित काम करके हम सोचते हैं कि मैं उनसे बदला ले रहा हूं बदला नहीं ले रहे हैं अपने लिए दुख के बीज बो रहे हैं अब ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपका मकान छीन रहा हो आपकी जमीन छीन रहा हो छिन रहा हो या कुछ ऐसा काम कर रहा हो तो न्याय है पंचायत है कानून है कुछ और हम जो प्रयोग आप समाधान करने के प्रयास करें बैर का बदला बैर से लेना दूसरा आदमी गलत काम कर रहा है तो स्वयं गलत काम करना फिर उनमें और हम में अंतर क्या रह गया फिर तो दोनों एक जैसा हो गया सदूर कबीर कहते हैं वो तो वैसा ही हुआ तू मत हो अयान वे निर्गुणी आते हैं गुणवंता मत एक वो तो निर्गुणी आदमी है गुण ही ना अज्ञानी आदमी है नासमझ आदमी है इसलिए उन्होंने गलत काम किया अब गलत काम की प्रतिक्रिया में तुम भी उनके जैसा गलत काम करते हो तो तुम उससे बड़े अज्ञानी हो चाहे तो वो आप हो या मैं हो या कोई हो किसी अज्ञानी आदमी को गलत काम देख कर देखकर बदले में वैसा काम करना उसे दुगुना गधा आपको लात मारे अब बदले में गधा को आप लात मारो नुकसान किसका होगा ज्यादा गधे का नुकसान तो अपने को होना है तो भजन का मतलब होता है सभी प्रकार के भाव का मन से और क्रिया से कर्म से सर्वथा निकल जाना इसलिए बैर करने वाला आदमी दुनिया का हर काम कर सकता है भजन नहीं कर सकता किसी से विरोध करने वाला आदमी किसी से लड़ने वाला आदमी पूजा भी कर सकता है दिखाने के लिए लेकिन उस पूजा से उसे कोई लाभ नहीं होगा वो अपने मन को बहला सकता है किसी से बैर विरोध का काम करने वाला आदमी मंदिर भी बनवा सकता है धर्मशाला बनवा सकता है हॉस्पिटल बनवा सकता है मस्जिद बनवा सकता है और यहां तक मैं कहूं किसी से बैर विरोध करने वाला आदमी सत्संग भी करवा सकता है भंडारा भी कर सकता है लेकिन लेकिन उस सत्संग से उसको कोई लाभ नहीं होगा अहंकार की पुष्टि हो जाएगी झूठा भ्रम होगा कि मैंने सत्संग कर लिया मेरे मन से बैर का जो पाप था वो मिट गया मिटेगा नहीं और गहरा होता चला जाएगा जब हम किसी से बदला लेने के लिए धर्म का कोई काम करते हैं जब पूजा पाठ हो चाहे अखंड रामायण हो अखंड अखंड पाठ हो या और भी कोई काम करते हैं तो बैर अधिक गहराई से हमारे मन में थसता और गड़ता चला जाता है और फिर अंदर से उतनी तेज प्रतिक्रिया होगी नुकसान हमारा अपना होगा जीवन में शांति चाहते हैं और जो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है तो वाचा करमाना बैर भाव का त्याग करना होगा कोई गलत है गलत काम कर रहा है तो उससे हट जाएं। यदि हटा जा सकता है दूर हुआ जा सकता है तो उसे दूर हो जाना अच्छा है क्योंकि साथ में रहकर शांति से जीवन जीना और सही काम करना समाज की सेवा करना संभव नहीं होगा तो अलग हो हट जाना बेहतर है किंतु तो अलग हटने के बाद भी प्रतिक्रिया जनित कोई काम नहीं करना है और जब जब उसकी याद आए तो यह सोचना है कि उस आदमी का भला हो वो सुख से जिए उसका कल्याण हो और ऐसा सोचने से उसका कल्याण हो या ना हो हमारा अपना कल्याण हो जाएगा दूर तो हट गए हैं लेकिन फिर भी वैर विरोध मन में बनाए हुए हैं तो नुकसान अपना होगा हमारी शांति भंग होती चली जाएगी अशांति में जीवन व्यतीत तो होगा और फिर धर्म का नाम लेकर के बैर करना भगवान भगवती को नाम ले का नाम लेकर के बैर करना और तो हद दर्जे का ज्ञान हो, वो भजन को क्या समझेगा भगवान का भगवान का हो, अल्लाह कहो खुदा कहो गाड कहो या कुछ और आप नाम ले लो भगवान का मतलब ही होता है निर्मलता पवित्रता और जो तो निर्मल है जो पवित्र है उसके नाम पर वैर विरोध करना जैसा गंदा और, और मलिन काम करना कहां भगवान को समझना होगा जो आदमी भगवान को नहीं मानता आत्मा परमात्मा को नहीं मानता वो लड़ाई झगड़ा करते हो वे बैर विरोध करते हो तो बात समझ में आती है किंतु भगवान को आत्मा परमात्मा को मानने वाला आदमी बैर विरोध का काम कर रहा है तो बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कहा एक और भगवान की पूजा और एक और विरोध आग और पानी के एक साथ रखना कैसे होगा इसलिए मैंने कहा कि चाहे जिसके नाम पर बैर का काम हो रहा हो वहां भजन नहीं हो सकता भजन का मतलब ही है मनसा वाचा कर्मना बैर भाव और बैर क्रिया कर्म का सर्वथा त्याग हो जाना और बैर से बैर शांत कभी नहीं हुआ है घृणा से घृणा शांत नहीं हुई है द्वेष से द्वेष शांत नहीं हुआ है प्रेम से बैर दूर होता है प्रेम से घृणा दूर होती है प्रेम से सेवा से द्वेष दूर होता है यहां सदुर कबीर कहते हैं दुनिया से ती दोस्ती परत भजन में भंग दुनिया से दोस्ती मत करो भजन में बाधा पड़ेगी यहां दोस्ती का मतलब मुंह आसक्ति है दोस्ती तो सबसे करना है सहज मित्रता का भाव समता का एकता का भाव प्रेम का भाव वो तो सबसे करना है सबके प्रति करना है यहाँ दोस्ती का मतलब है बंध जाना मोह से आसक्ति से बंध जाना कौन हमारा है कौन पराया है सुबह के सत्संग में बात आई थी हर आदमी मुसाफिर है धर्मशाला में चल रहे हैं यात्रा में चल रहे हैं ट्रेन में सफर करने का अवसर बहुत लोगों का आया होगा जब हमें ट्रेन में सफ़र करना होता है तो हम पहले से तैयारी कर लेते हैं और समय रहता है तो रिजर्वेशन करवा लेते हैं और उस दिन अपना सामान लेकर स्टेशन जाते हैं गाड़ी की प्रतीक्षा करते हैं गाड़ी आती है तो हम देखते हैं कि हमें हमारा जो रिजर्वेशन है वो किस डिब्बे में है हम उसी डिब्बे की तलाश करते हैं और डिब्बे में जाते हैं फिर देखते हैं कि किस सीट पर हमारा रिजर्वेशन है उस सीट पर जाते हैं बैठते हैं वहाँ और भी यात्री बैठे रहते हैं और जब ट्रेन आती है तो खाली नहीं आती भरी हुई आती है कौन कहाँ बैठा है कहाँ उतरेगा हमें मालूम नहीं है हम बैठ जाते हैं सामने यात्री से कभी प्रेम से बात हो जाती है कभी कुछ कर्तव्यपूर्ण बातें हो जाती है कभी कुछ लोग तो लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं ये मेरी सीट ये मेरी सीट हम इतने दूर से बैठे जा रहे हैं मारपीट भी हो जाती है जानते हैं कि जिस सीट के ले कर रहे हैं मेरी सीट है मेरी सीट है मेरी वो सीट केवल चार छह घंटे के लिए है लेकिन उसी के लिए मारपीट गाली गलौज लड़ाई झगड़ा अंत में गाली गलौज मारपीट झगड़ा सब शांत हुआ स्टेशन आ गया हम अपना सामान लिए उतरने लगे तो यात्रियों ने कहा अरे कहाँ जा रहे हो तुम्हारी सीट को ले, ले कल जाओ साथ में लेकर के तो क्या करेंगे है कोई उपाय जिस सीट के लिए मारी मारी कर रहे थे मेरी सीट है कोई कहे ये सीट लेकर जाओ ना साथ में कहा छोड़ रहे हो भैया कर्म की यात्रा में चल रहे हैं एक पार से रेल चल रही है दुनिया में हम जन्म लेकर के आए तो हम अकेले नहीं है हमसे पहले करोड़ों लोग दुनिया में थे और हमारे जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन असंख्य लोगों का जन्म हुआ होगा अब कौन कहां से आया है कब तक उनका साथ रहेगा अनिश्चित ऐसे में गिरता करके ये मान लेना कि ये मेरा है मोह बना लेना और मोह बनेगा तो बैर बनेगा आप कहते हैं सेवा करो प्रेम का व्यवहार करो कला में मत पढ़ो विवाद में लड़ाई झगड़ा में मत पढ़ो सेवा करना हमारा धर्म है प्रेम का व्यवहार करना ये भी हमारा धर्म है कर्तव्य है किंतु दृढ़तापूर्वक मान लेना यह अपने को बांधना होता है इसीलिए कहा था आपने मत लीजिए सिर भार हर आदमी अपने सिर पर बोझा लाता रहता बोझा लादता रहता अदृश्य बोझा है कहीं गए मन के अनुकूल खान पान नहीं मिला मन के अनुकूल रहने की जगह नहीं मिली मन में अमर सा आ गया एक बोझा लद गया बोझा थोड़ा और बढ़ गया किसी रोगी को देखे दिन दुखे या पाहिज को देखे उसके प्रति घृणा आ गई बोझा बढ़ गया जहां रहते हैं वहां पर किसी ने बढ़िया मकान बना लिया पड़ोसी के बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई पड़े को व्यापार में अच्छा मुनाफा हो गया ये सब सुन करके मन में ईर्षा आ गई जलन आ गई बोझा बढ़ गया बोझा बना बोझा को बड़ा करना हम जानते हैं देश, देश आया तो किसी ने हमारे मन के प्रतिकूल काम किया देश आ गया बोझा बढ़ गया किसी ने गाली दे दी गुस्सा आ गया बोझा बढ़ गया हमेशा बोझा 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 हम लाते चले जा रहे हैं और भजन का काम है इन सारे बोझों को उतार देना और भजन का दिखावा हो रहा है और मन में बोझा पड़ता चला जा रहा है राग का द्वेष का ईर्षा का घृणा का बैर विरोध का लोभ लालच का हिंसा का क्रोध का पता नहीं कैसे कैसे बोझा पड़ता चला जा रहा है और इतने भारी बोझा को लेकर चढ़ेंगे तो क्या होगा वो संभाल कर जीना है साहब ने एक भजन में कहा है कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से ये चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या साहब कहते हैं मैं तो इश्क में मत वाला हूं साहब के पद के पहली पंक्ति में साहब ने कहा है हमन है इश्क मस्ताना हमें दुनिया से यारी क्या रहे आजाद इस जग में हमन को होशी यारी क्या इश्क में मत वाला होना तो जो इश्क है ये दुनियादारी का इश्क नहीं है ये राग रंग का इश्क नहीं है ये वो ऐसा इश्क है जिस इश्क को कोई कोई समझता है समझते हैं एक इश्क वो होता है जो हमें नीचे की ओर ले जाता है जिस इश्क में जब पढ़ते हैं बोझा बढता चला जाता है और हम चारों तरफ से घिरते चले जाते हैं और एक इश्क वह होता है जिससे बोझा करता चला जाता है, करता चला जाता है और पूरे जीवन में शांति शांति आ जाती है इश्क की बात आती है तो दो प्रकार के इश्क होते हैं एक इश्क होता है इश्क मजाजी और दूसरा इश्क है इश्क हकीकी इश्क मजाजी मतलब राग रंग विषय वासना से प्रेम करना इश्क मजाजी है मूल में क्या होगा फल में अशांति दुख पीड़ा बंधन और इश्क हकीकी हक मतलब सत्य हक का मतलब अधिकार होता है लेकिन हक का मतलब होता है सत्य हक का मतलब परमात्मा तो इश्क हकीकी सत्य के प्रति आत्मा के लिए परमात्मा के लिए जो प्रेम होता है उसे इश्क हकीकी कहते हैं और कबीर साहब इसी के लिए कहते हैं हमन है हमने इश्क मस्ताना हमें दुनिया से यारी क्या मैं तो इश्क में मत वाला हूं किस इश्क में प्रेम सेवा आत्मा परमात्मा इश्क मतलब हकीकी का मतलब रागरंग से रहित होकर के आत्मनुराग और आत्म अनुराग जब हो जाएगा तो मानव मात्र के लिए प्रेम हो जाएगा मान जो प्रेम मानव मात्र के लिए है जिस प्रेम में मानव मात्र की भलाई नहीं हित है वो इश्क हकीकी है तो यहां से आप कहते हैं कबीरा इश्क का, का माता दुई को दूर कर दिल से साहब कहते हैं मैं तो इश्क में मत वाला हूँ क्यों दुई को दूर कर दिल से जो दुई है द्वे मतलब द्वैत भाव वो पराया है वो भिन्न जाति वाला है वो भिन्न मजहब वाला है वो भिन्न वर्ण वाला है वो वो आदमी भिन्न भगवान को मानने वाला हमारे भगवान को नहीं मानता है ये जो दुई की बात है द्वैत की बात ये जो बैर विरोध की बात है विषय विकार की बात है अंदर की करता अहंकार की बात ये सब दुई की बात है और जब ये दुई हटेगा हटेगी दिल से तो इश्क आएगा तब तो मन में शांति आएगी तब हम वास्तविक आत्मा को या परमात्मा को हम समझ लेंगे कौन आत्मा मानता है कौन परमात्मा मानता है ये बड़ी बात नहीं है बड़ी बात है उसका मन कैसा है उसके जीवन का व्यवहार कैसा है आत्मा परमात्मा मानने मात्र से आदमी बड़ा नहीं हो जाता है आत्मा परमात्मा मानना गलत है मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन कोई यह समझता है हम तो आत्मा को मानते हैं हम तो परमात्मा को मानते हैं ठीक है मानते तो हो जानते कितना हो और कोई आदमी यदि कहता मैं आत्मा को मानता हूं तो जैसे मैं आत्मा हूं वैसे यहां जितने लोग बैठे हैं सब आत्मा है तो फिर तो फिर बैर किससे करोगे कहा गया है आत्मा स्वर भूतेश्व सभी प्राणी अपने समान है आत्मा का मतलब होता है स्वयं जैसे मैं जीव वैसे ये, ये सब बैठे हुए हैं ये सब भी जीव है तो भाई बिरादर हो गया भाई से भाई का प्रेम तो होना चाहिए लेकिन भाई से भाई का विरोध भजन कहाँ हुआ भजन वह है भाई से भाई का प्रेम बढ़े आदमी से आदमी का प्रेम बढ़े याद रखना होगा हमको जो आदमी से आदमी को जोड़े वही प्रेम है जो आदमी को आदमी से जोड़े वही भजन है और जो आदमी को आदमी से जोड़े वही धर्म है जो आदमी को आदमी से नहीं जोड़ सकता वो आदमी को परमात्मा से क्या जोड़ेगा जो आदमी आदमी में भेदभाव पैदा करता है आदमी आदमी में विरोध का भाव पैदा करता है वो आदमी आत्मा परमात्मा की बात को कहां समझेगा परमात्मा कन कन में व्याप्त है अच्छी बात है तो जिससे बैर कर रहे हो जिससे विरोध कर रहे हो जिसे झगड़ा कर रहे हो उसमें परमात्मा है या नहीं है जिसके मन में ये भाव आ जाएगा पूरी तरह से जो व्यक्ति यह समझता है कि परमात्मा कन कन में है उसके मन से बैर विरोध का भाव सर्वथा मिट जाएगा किससे विरोध करोगे कन कन में तो परमात्मा है किसी से विरोध करने का किसी से झगड़ा करने का अर्थ होता है परमात्मा से झगड़ा करना परमात्मा से ही विरोध करना ईशा वाष्य निषद में एक मंत्र आता है पहला ही मंत्र है उसका ईशावास्यम इदम सर्वम यम जगत तेन तेक तेन भूंज था महा गृधक सिद्धन ईशा इदम सर्वम जो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है उसमें ईश्वर बसा हुआ है ऐसा मानो जो सब में ईश्वर बसा हुआ है सब में ईश्वर है तो जिससे बैर कर रहे हो उसमें भी ईश्वर होगा इसलिए मैंने कहा जो कुछ भी क्रिया चाहे वो धर्म के नाम पर हो चाहे भजन के नाम पर हो या किसी के नाम पर हो जो आदमी को आदमी से बांट दे आदमी के को आदमी से दूर कर दे आदमी के दिल में दूसरे आदमी के लिए नफरत पैदा कर दे वो अधर्म हो है वो पाप है वो भजन नहीं हो सकता वो धर्म नहीं हो सकता कहते हैं, दुई को दूर कर दिए से, मैंने दुई को दूर कर दिया है खास बात में जो कहने जा रहा था ये चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या साहब कहते हैं नाजुक रास्ता है बहुत फितलन भरा रास्ता बहुत पतला रास्ता है इस पर बोझा लेकर के चल नहीं सकते और बोझा हम मना लेते हैं पर में ईर्षा का बोझा देश का घृणा का बैरबे लोभ लालच पता नहीं कैसे कैसे बोझा और ये हमारा जो बोझा है मान्यताओं का बोझा विकारों का बोझा मन के गलत चिंतनों का जो बोझा रोज रोज हमारा बोझा बड़ा से बड़ा होता जा रहा है साहब कहते इतना भारी बोझा ले करके तुम्हें रास्ते पर चलोगे कैसे यहां तो तुम गिर पड़ोगे या तो डूब जाओगे साहब ने भी कहा है हरवे हरवे तर गए बुरा जिन सिर भार जिनके सिर पर बोझा रहा है वे सब डूब गए और जिन्होंने बोझा का त्याग कर दिया था वे तर गए कबीर कहते हैं दुनिया से ती दोस्ती पर भजन में भंग दुनिया से दोस्ती मत करो अर्थात मोह ना करो और बैर न करो न काहू से दोस्ती न काहू से बैर प्रेम का व्यवहार समता का एकता का भाईचारे का व्यवहार यह मनुष्यता है यही धर्म है यही भजन है और भाईचारा टूट गया तो फिर भजन कहां होगा न बैर से भजन होगा न भाईचारा तोड़कर भजन होगा तो आप कहे दुनिया में आए हो दुनिया की सेवा करो जिस प्रकार से बन जाए धन है धन से तन है तन से मन है मन से वाणी है वाणी से सेवा आदमी का धर्म है और बिना सेवा किए चित्त की मलिनता दूर नहीं होती, चित्त शुद्ध नहीं हो सकता और मलिन चित्त में अशुद्ध चित्त में भजन नहीं हो सकता अशुद्ध चित्त में भगवान की आराधना नहीं होगी पूजा नहीं होगी जो निर्मल चित्त है शुद्ध चित्त है उसी में भगवान और आत्मा परमात्मा को समझा जा सकता है उस आराधना की जा सकती है भजन का काम किया जा सकता है तो आप कहते हैं सेवा करो न मोह करो और न बैर करो कि कर फिर करना क्या है ही राम सुखी संतन के संग अकेले बैठो और राम का चिंतन करो सधुर कबीर जिस राम की बात कहते हैं वह राम बाहर कहीं नहीं है ना आकाश पताल में न मंदिर में न किसी जगह पर कबीर का राम प्रत्येक घट में बता प्रत्येक घट में कबीर साहब जिस राम की बात कहते हैं वह राम राम के भीतर भी था और रावण के भीतर भी था कई कई मंत्रा के भीतर भी था कौशल्या सुमित्रा और सीता के भीतर भी था प्राणी मात्र के भीतर जो बसा हुआ है वह राम कबीर का राम है कबीर का राम लोक लोकांतर में नहीं है मृगा की नाभि कस्तूरी मृग ढूंढत बनवाए ऐसे घट घट राम है दुनिया जा घट घट में राम समाय सब घट में रा साई साहब उसी को लोग कहते हैं तो यहां राम का मतलब आत्मचिंतन करना आत्मसंधान करना स्वयं की खोज करना स्वयं की खोज और स्वयं का अनुसंधान स्वयं को पा लेना ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी लेकिन पाना कब होगा जब खोज होगी तो राम को समझना है और राम को समझने वाला बर किससे करेगा तो, तो कहते हैं एक आइए अकेले बैठो और आत्मसंधान करो आत्मचिंतन करो मैं दुनिया में क्यों आया किसलिए आया हूं उद्देश्य क्या दुनिया में आने का क्या उ, जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं काम कर रहा हूं मैं दुखी हूं तो मेरे दुख का कारण क्या है क्या कोई मुझे दूसरा दुख दे रहा है और यदि कोई दूसरा दुख दे रहा है दूसरे के कारण से दुखी हैं तो दुख से बचना संभव नहीं होगा दूसरे दूसरे लोग हमें गाली दे सकते हैं हमारी निंदा बुराई कर सकते हैं हमारी चीजों को बिगाड़ सकते हैं कोई छीन सकते हैं हमें कुछ थप्पड़ भी मार सकते हैं लाठी डंडा से भी मार सकते हैं किंतु दुख नहीं दे सकते अब कोई दुख दे रहा है तो लेना है या नहीं लेना है यह हमारी मर्जी है आदमी दुखी है तो अपने अज्ञान के कारण कोई कह सकता है साहब उन्होंने हमें गाली दी दुखी कैसे ना हो तो गाली को स्वीकार मत करो दुखी नहीं हो गए गाली को गाली को जब हम स्वीकार कर लेते उन्होंने मुझे दी तब दुख शुरू हो गया उन्होंने गाली दी अब लेना है या नहीं लेना है आपकी मर्जी नहीं लोगे तो गाली दुख नहीं देंगे गाली को ले लोगे गाली दुख दे देंगे तो गाली का आपने स्वीकार किया ना तो गाली को स्वीकार करना दुख का कारण होगा अस्वीकार कर दो गाली दुख नहीं दे सकेगी गाली में दुख देने की ताकत ही नहीं है गाली शक्तिशाली तब बनती है जब उस गाली को हम एक्सेप्ट कर लेते स्वीकार कर लेते हैं तब एक संत है उसे कोई गाली दे रहा है वो चुपचाप शांत पड़े हैं, या कह सकते हैं दो व्यक्ति बैठे हैं दोनों को एक व्यक्ति गाली दे रहा है एक शांत है एक गुस्से में आ गया तो जो गुस्से में आया उसने गाली को स्वीकार कर लिया जो शांत है उसने गाली को स्वीकार नहीं किया तो गाली यदि दुख देती तो दोनों को दुख देती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं तो मैं कह रहा था आत्मसंधान कि मैं दुखी हूं तो क्यों दुखी हूं और ये दुख दूर कैसे होगा दुखी होना किसी भी बात को लेकर दुखी होना अविवेक है दुखी होना आदमी की मजबूरी नहीं है आदमी का अविवेक है आखिर भजन किसके लिए कर रहे हो धर्म का काम किसके लिए कर रहे हैं सत्संग किसके लिए कर रहे हैं पूजा पाठ किसके लिए कर रहे हैं इतना सब करने के बाद भी दुखी हो रहे हैं तो बात तो समझ में नहीं आ रही है सब कुछ बाहर बाहर से चल रहा है दो आदमी असली ढंग से भजन करेगा भीतर से सत्संग करेगा बाहर से आगे तो बाहर से सब करते ही है बाहर से आ सब भीतर से सत्संग करेगा भीतर से जो आदमी पूजा करेगा पूजा तो बाहर बाहर चल रही है और मन में कुछ और चल रहा है ये तो नहीं होगा सामने इसलिए ये जो दोहरापन है हमारा बाहर कुछ भीतर कुछ उसी के लिए साहब ने कहा है माला तो में फिरे जीव फिरे माए मनवा तो चौदित फिरे यह तो सुमिरन नाय मंदिर में बैठकर आरती भी कर रहे हैं अब मन सोच रहा है पता नहीं नौकर आया है कि नहीं आया है या कुछ और तो आरती कहाँ हो रही है किसकी आरती कर रहे हो मंदिर जाता है आदमी वहाँ भी दुई को लेकर के जाता है या तो अहंकार लेकर जाता है या कामना लेकर जाता है या चिंता लेकर के जाता है तो पूजा भी पूजा नहीं बन पाती है समर्पित होकर के जब पूजा करेंगे सारी चिंता भुला करके सारा स्वार्थ अहंकार सब भुला करके कर दे तब पूजा पूजा होगी तो वास्तविक पूजा होगी और तब जीवन में दुख नहीं होगा फिर लेकिन पूजा करते हुए भी दुई है संसारिक कामना है भगवान ये कर देना भगवान ऐसा कर देना भगवान वैसा कर देना तो तुम तो व्यापारी बनकर गए हो ना मंदिर में पूजा करने के लिए पुजारी बनकर कहां गए हो और व्यापारी को जीवन में घाटा मुनाफा चलता रहेगा सचमुच का जो पुजारी होगा जो पुजारी बैठा हुआ है वो बाहर जो पुजारी है वो भी व्यापारी है देखता है क्या कि चढ़ावा कितना आया है ज्यादा आया है कल है आ, कल से कि कम आ गया ज्यादा आ गया कल ज्यादा पूजा आ गया खुश हो गया और कल से पूजा कम आ गई तब दुखी हो गया व्यापारी है ना वही तो चाहे वो आप आप हो चाहे मैं हूं मुझे कोई कुछ, लो, कुछ लोगों ने पूजा चढ़ा दिया मैं खुश हो गया पूजा कम मिले में ना खुश हो गया तब मैं भी साधु आधु कुछ नहीं हूं व्यापारी मैं हूं अब व्यापारिक घाटा मुनाफा चलता रहेगा यह घाटा मुनाफा दुख का कारण बनता है हमारा इसलिए मैंने कहा जब भीतर में भजन हो जाएगा भीतर में पूजा होगी किसी की भी पूजा करो राम की पूजा करते हो शिव की गणेश की हनुमान की कबीर की किसकी पूजा करते हो कोई पूजा छोटी बड़ी नहीं होती है सारी की सारी पूजा बराबर होती है यह कहना कि यह पूजा छोटी पूजा बड़ी है गलत पूजा का अर्थ ही होता है मन का सरल कोमल विनम्र बनना और जब मन सरल कोमल विनम्र है तो दुख कहां से आएगा इसलिए आदमी को जज्बाती होने की आवश्यकता नहीं है तो साहब जो कहते हैं माला तो कर फिरे जीव फिरे मुख माए मनवा तो चौंती फिरे यह तो ना है ये मन का फेरना मन की माला फेर ये मन को फेरना मन के विकारी बातों को हटाते रहना गंदगी को हटाते रहना यही तो भजन है यही पूजा है यही धर्म का काम है और यही यही है अकेले बैठ कर के राम का चिंतन करना अकेले बैठे हैं जो जो गलत बातें मन में आ रही है सब को हटाते जाए हटाते जाए हटाते जाए तब राम समझ में आएगा और गलत बातों को उल्टे रह गए पुरानी पुरानी बातों की याद करते रह गए तो राम समझ में कहां आएगा इसलिए साहब कहते हैं एक आए कि राम सो समय निकालें और अकेले बैठे अभ्यास करें अब कह कर सकते हो साहब हम तो गृहस्थ हैं हमारे पास समय कहां है समय है मह तो समझ में नहीं आता जब गृहस्थ तो होकर झगड़ा करने के लिए समय मिल जाता है प्रबंध करने समय मिल जाता है युवा करने समय मिल जाता है टीवी देखने समय मिल जाता है और कहीं जाए समय मिल जाता है तो भजन के लिए समय क्यों नहीं मिलेगा समय तो है लगा देना कहाँ है तो आप ज़्यादा नहीं आधा घंटा पौन घंटा समय निकालो गृहस्थ हैं तो क्या होगा गृहस्थ को होना कोई पापी थोड़े है गृहस्थ भी तो आदमी ना आवश्यकता उसकी भी है वही है जो एक साधु की आवश्यकता है मन की शांति मन का संतोष मन की प्रसन्नता ये तो सबको चाहिए तो आप जैसा भी मानते हो जो भी मानते हो आपकी भावना लेकिन समय निकालें और यदि आप राम को मानते हो यदि आप कृष्ण को मानते हो यदि आप हनुमान को या गणेश को या शिव को या विष्णु किसी को मानते हो तो अकेले बैठ कर केवल उसी चिंतन करो पहले आत्मा का मानते हो अलग बात नहीं तो अपनी आत्मा की निर्मलता का चिंतन करो अब राम के पुजारी हैं अकेले बैठो और केवल राम के बारे में राम की निर्मलता राम को जो आदर्श उसके सदगुण है उसी के बारे में सोच बाकी सब हटा दो देखो जीवन में कितनी शांति आएगी कुछ नहीं सोचना है गणेश की पूजा नहीं हनुमान की पुजारी शिव की पूजा केवल उसी के बारे में सोचो बाकी सारी बात को निकाल दो मन तो ये, ये होगा राम का भजन करना अब शब्द अब राम भजन नहीं के शिव भजन कर लो गणेश भजन हनुमान भजन कर लो कबीर भजन करो आत्मा भजन को कुछ भी शब्द जोड़ लो आप आपकी मर्जी मैं ये नहीं कहता कि अमुक शब्द का प्रयोग करें शब्द तो हम आप बनाते हैं लेकिन अकेले बैठिए और पहले अपने जो इष्ट है उसकी याद करो उसी में मन लगा कर जोड़ो जब जब जैसे जैसे मन भटके बाहर जैसे ख्याल हो जाए तुरंत अपने इष्ट की याद करो पहले इस बार बराबर अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे जो तथ्य है जो सत्य है वास्तविकता वो समझ में आएगी और जब तक अकेले समय नहीं निकालेंगे तो बस थोड़ा मंदिर के घंटी हिला दिए सत्संग कहीं हुआ आकर एक घंटा बैठ लिए हम लोग सत्संग में आकर एक घंटा बोल दिए इससे कुछ नहीं होने वाला ना हमारे बोलने से कुछ होगा ना आपको सुनने से कुछ होगा समय निकाल कर बैठना पड़ेगा तो गृहस्थ हैं समय निकालो लो पंद्रह पंद्रह बीस मिनट सुबह का समय निकाल लो पंद्रह बीस मिनट शाम को समय निकाल लो वो भी समय नहीं है आप रात में खा पी कर आप बिस्तर पर सोने जा रहे हो अब केवल सोना है बत्ती बुझा करके सोने के पहले आप बिस्तर पर दस मिनट बैठ लो बस कोई चिंतन नहीं करना है अपना अपनी आत्मा का या जिसे आप जो भी मानते परमात्मा तो उसी चिंतन करो बाकी सारी बातें भुलाओ दिन से फिर देखिएगा आप ऐसा हम करते हैं दस मिनट पंद्रह मिनट भी वैसा सारी चिंता भूल करके दस मिनट पंद्रह मिनट भी आत्मा में परमात्मा में मन लग गया तो जीवन का काया पलट हो जाएगा साहब ने तो ये कहा है ना तन थीर, मन थिर वचन थिर सुरत निरथ थिर हो कह कबीर वह पलक ही कलप बराबर हो जिस समय मन पूरी तरह से शांत हो गया तो एक कलप एक पलक समय एक पल मान लो आपका आधा मिनट का समय ऐसा हुआ तो एक कलप का अवधि से वो बराबर बराबर है लेकिन करने से होगा कहने से नहीं होगा कहना तो कहना था हम बहुत कहना था जानते हैं कहने में हम हमारी कोई कमी नहीं है ना सुनने में कमी है कमी करने में साहब कहते हैं एकाएक ही राम सो अकेले बैठकर राम का चिंतन करो या फिर कि संतन के संग अभी संतों के साथ बैठ करके ज्ञान की चर्चा करो जहाँ भी ज्ञान की चर्चा हो रही है विवेक की चर्चा है प्रेम की भाईचारे की सद्गुणों की चर्चा है वो सारी चर्चा संतों की संगत है संत का मतलब केवल हमारे जैसे कपड़े पहनने वाले नहीं है आपके कपड़े में भी हो सकता है जो दो व्यक्ति दो गृहस्थ व्यक्ति ही बैठे हैं घर में पिता पुत्र ही बैठे हैं भाई भाई ही बैठे हैं और बैठ करके यदि केवल ज्ञान की चर्चा है दया क्षमा प्रेम की चर्चा है तो वहां भी सत्संग हो रहा है संतों की संगत वहां भी लगी हुई समझ लेने के प्रकार संतों मतलब एक कुछ लोगों में सीमित कर देना नहीं है इसको अच्छाई की चर्चा जहां है सच्चे धर्म की चर्चा धर्म के मतलब कहा नैतिकता सदाचार दया क्षमा आदि इसकी चर्चा जहां है वो सब चर्चा संतों की चर्चा है वो सब चर्चा ज्ञान की चर्चा है मतलब प्रपंच से समय निकालें बैठे हुए हैं इस पार्टी की चर्चा कर लिए उस पार्टी चल के वो सरकार ने वैसा किया वो सरकार ने वैसा किया उसकी बेटी वैसी उसकी बहु वैसी उसकी पत्नी ऐसी क्या मतलब होता है इससे उस, उसी में रात दिन तो पड़े हुए हैं उसमें भी फुर्सत मिली तो फिर वही चर्चा किसी प्रकार से दुनियादारी का जो प्रपंच है मोह माया अहंतमता राग द्वेश उससे मन को हटाइए चाहे अपने इष्ट की याद करके चाहे ज्ञान के धर्म के सद्गुणों की चर्चा करके तो भजन समझ में आएगा अब तब लगेगा कि जीवन क्यों मिला हुआ है और हम क्या करना चाहते हैं क्या कर रहे हैं एक साखी मैंने कही सदुर कबीर की आपके समक्ष दुनिया से थी दोस्ती परत भजन में भंग एकाएकी राम सुखी संतन के संग कहते हैं दुनिया से दोस्ती अर्थात मोह मत करो आसक्ति मत बनाओ सेवा करो यदि आसक्ति बना लो कहीं किसी चीज से अपने आप को इतना बांध लोगे तो भजन में बाधा पड़ेगी अरे मानव जीवन भजन के लिए ही मिला है समय निकालो अकेले बैठो और राम के अपने इष्ट की आत्मा या परमात्मा की का चिंतन करो उसी के ख्याल में मतलब निर्मलता पवित्रता का जो चिंतन है वो राम का चिंतन है या फिर ज्ञान की चर्चा करो यदि हम ये दो करते हैं थोड़ा समय निकाल करके मन से बाहरी बातों को निकाल देते हैं तो वो राम का चिंतन हो जाएगा सो तो यहां से करें या फिर ज्ञान की चर्चा ज्ञान की चर्चा करें दया क्षमा धीर विवेक विचार इनकी चिंता चिंता करें इतना करते रहें आधा पौन घंटा तो एक घंटा समय निकाल करके तो जीवन का महत्व तो समझ में आएगा और तब हमारे मानव जीवन पाना सार्थक हो जाएगा समय काफी हो चुका है आप सबको धन्यवाद अपने वाणी को बिरा बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय